किसी को भी। आज समय नहीं है कि कोई व्यक्ति बैठ करके थोड़ा भजन करे। अभी कथा में बैठा दिया जाए तो कथा में ही 3 घंटा आदमी नहीं बैठ पाते। कोई टांग ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, तो कोई उठ रहा है, तो कोई बैठ रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई ऐसे कर रहा है, कोई उठ रहा है, जाके घूम करके आ रहा है। जब आप 3 घंटा बैठ नहीं सकते एक स्थान पे, तो फिर आप सोचो बुढ़ाई कैसे कटेगी भाई? खड़े खड़े कटेगी या कुर्सी पर बैठ के कटेगी? कहां कटेगी? निश्चित आप अब बैठने का निश्चित अभ्यास करिए कि इतना अभ्यास रहे। मैं सच बताऊं, अगर थोड़ा सा अभ्यास अपने आपने जीवन में किया है, थोड़ा सा बैठने का, तो आप जानना चाहे आप 80 साल के हो जाओ चाहे 90 साल का, बैठने में कोई कंसेशन नहीं होगा। आप खूब आराम से बैठे बैठे कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोग जमीन को ही छोड़ दिए, हम लोग जमीन को ही छोड़ दिए, जमीन से कोई लेना देना ही नहीं। खाना कुर्सी पर बैठ के चाहिए, वो जो आता है घर में ना, क्या कहते हैं उसको, जो घर में गोला गोला रखा रहता है, कुर्सियां लगी होती है, डाइनिंग टेबल। बाबा डाइनिंग टेबल, वो डाइनिंग टेबल नहीं है, वो डाइन टेबल है। उसको डाइनिंग मत बोलो, उसको डाइन बोलो। वो जब से घर में आई सबके जीवन को चौपट कर दी। आदमी खाना भूल गया, और कहते हैं कि डाइनिंग टेबल घर में ना हो तो आदमी छोटा समझता है। तब घर में डाइनिंग टेबल ही भर के बड़े हो जाओ, उससे पोजीशन बनी रहती है। पोजीशन को देखने के चक्कर में आदमी अपनी लाइफ चौपट कर ले रहा है, लाइफ चौपट कर ले रहा है। खाना माताएं घर में बैठ के बनाती थी, अब सब खड़े खड़े, सारा काम खड़े खड़े बनाना और खड़े खड़े खाना, ये कलयुग का एक बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा दोष है। अब देखो घर में रसोई तो चली गई, किचन आ गया। जब रसोई था घर में तो रसोई में रस था, और जब से किचन आया तब से घर में किचकिच फैल गई। अब घर में रसोई में रस नहीं रहा, अब कोई घर का खाना खाना ही नहीं चाहता, बच्चों से लेकर के बूढ़ों तक घर का खाना उनको अच्छा ही नहीं लगता। हफ्ते में 4 दिन उनको बाहर का खाना चाहिए, हफ्ते में 5 दिन उनको बाहर का खाना चाहिए, करना नहीं चाहता। अब बताओ जब खड़े होकर के बना रहे हो, खड़े होकर के खा रहे हो, ऑफिस में जा रहे हो कुर्सी पे बैठ रहे हो, घर में बैठ रहे हो कुर्सी पे बैठ रहे हो, तुम्हारा सारा काम ही जमीन को एकदम छोड़ दिए, जमीन पर। अगर रोज आप केवल खाना शुरू कर दो, रोज खाने में कितना समय लगता है? कम से कम 20 मिनट, 20 मिनट सुबह और 20 मिनट शाम को, तो 20 मिनट तो आपको खाने में लगता ही लगता है। अगर आप केवल जमीन पर बैठ करके खाना शुरू कर दीजिए तो बाबा रामदेव फेल हो जाएंगे आपके। आपको बैठने का अभ्यास हो जाएगा, आप देखेंगे 20 मिनट सुबह 20 मिनट शाम, खाते खाते आपके आसन का एक अभ्यास हो जाएगा, अभ्यास हो जाएगा खाते खाते केवल। ऐसा जरूरी नहीं कि सुबह उठ करके आसन लगा करके बैठोगे तभी आपके पास ये नियम आए, कुछ नहीं। आप बैठ के खाना सीखो बस, जमीन पर जब भी खाओ ध्यान दो खाना जमीन पर बैठ के। जमीन पर अगर आप बैठ करके खाते हैं तो आप आपके जीवन में एक आसन बनेगा जो आपको अंतिम समय तक आपके काम में आएगा। कम से कम कभी, और हम तो देखे आजकल सत्यनारायण की कथा सुनाने के लिए पंडित जी को बुलाते हैं, पंडित जी बेचारे नीचे चदरा बैठे हैं,
और उनकर जजमान दोनों कुर्सी बैठे हैं। हाँ, छोटा छोटा आता है जिस पे बैठ के नहाते हैं लोग, और आजकल रसोई में माताएं प्लास्टिक का आता है छोटा छोटा, उस पे दोनों बैठ करके स्वाहा स्वाहा करें, पंडित जी नीचे जजमान ऊपर, और बैठ नहीं पाते तब भी बैठ नहीं पाते, आधा घंटा में कम से कम चार बार उनको पैर फैलाने को चाहिए, पैर में दर्द, पंडित जी जोड़ा जल्दी करो जल्दी करो, थोड़ा पैर दर्द हो रहा है, बैठ नहीं पा रहा है। और जब लोग कायदे से बैठते थे तो घुटना भी कायदे का रहता था, अब लोग बैठते नहीं है तो 25 से 30 साल में घुटना जवाब दे दे रहा है, बोले घुटना में दर्द। जब तुम उसका एक्सरसाइज नहीं करोगे, देखो लोहे की वस्तु को यदि आप काफी दिन रख दिया जाए तो उसमें मूर्छा लग जाता है, वो जाम हो जाता है, वैसे ही हमारा पैर है, हम एक्सरसाइज करते नहीं, हम बैठते उठते नहीं, हम बैठते उठते नहीं है, हमारे घुटने का एक्सरसाइज धीरे धीरे करके बंद हो गया। आप देखे होंगे पहले जब हाथ टूटता था, आज भी हाथ टूट जाता है तो प्लास्टर लगाता है, प्लास्टर लगाने के बाद जब प्लास्टर खोला जाता है तो उसको एक्सरसाइज किया जाता है, पूरा नहीं उनका हाथ मुड़ता, कम से कम 2-3 महीने लगता है उसको एक्सरसाइज करते 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 पुराने पोजीशन में लाने के लिए। तो जब तुम नीचे बैठ ही नहीं रहे हो, तुम्हारा घुटना पूरा मुड़ी नहीं रहा है, तो जाम तो होना ही है, निश्चित जाम हो जाना है। तो इसलिए थोड़ा सा हमको एक्सरसाइज, थोड़ा उठने बैठने का अभ्यास हमारा होना चाहिए, और घर में जरूर जमीन पर बैठे निश्चित। इसीलिए तो कहा जाता था पहले के लोग भजन करते थे बैठ करके नीचे, 2-5 माला जप करते थे, भगवान की पूजा करते थे, भोजन करते थे, घर के कार्य करते थे, माताएं घर में बड़ा बड़ा घर बैठ करके लीपती थी। अब तो वो आ गया क्या, क्या बोले उसको, हाँ बाई पर आ गया, वो डालो डिटाल और बस खड़े खड़े से सारा काम ही खड़े खड़े, सारा काम ही खड़े खड़े आदमी था, झुकना उनको है नहीं, बैठना उनको है नहीं, सारा काम उनका खड़े खड़े। इसीलिए 30-35 साल 40 साल जाते जाते और एक आजकल एक तो और बीमारी फैल गया है, वो जो मुंडिया में हो जाता है औरतों का आदमी सर्वाइक, बहुत सही सर्वाइकल, सर्वाइकल डिप्रेशन, ये दादाजी लोगों से पूछिए कभी सुने हैं इसका नाम, वो सुने ही नहीं नाम, ये लेटेस्ट 10 साल के अंदर में ये सारी चीजें आई है, 10 साल के अंदर जितनी सुविधाओं में हम बढ़ते चले गए ये नए नए रोग चले आए हमारे पास, हमको दुखी करेंगे।